नमस्कार, आप देख रहे हैं जीबीएन 24 और मैं हूं आपके साथ सोनी श्रीवास्तव। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी कुछ अहम खबरों पर। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान बीजेपी विधायक स्वामी प्रवक्ता नंद ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को वितरण किए गए प्रमाण पत्र, देखिए रिपोर्ट। पीलीभीत में विकसित भारत संकल्प यात्रा में पहुंचे बरखेड़ा विधायक स्वामी प्रवक्ता नंद का वीडियो पूरनपुर सचिव ग्राम प्रधान ने स्वागत किया। विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत पूरनपुर विकास खंड की ग्राम पंचायत शिवनगर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संकल्प यात्रा का ग्रामीणों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया, जहां पर बरखेड़ा विधायक स्वामी प्रवक्ता नंद ने ग्रामीणों को सरकार की उपलब्धियां गिनाई। केंद्र व प्रदेश सरकार की योजनाओं की विस्तार से जानकारी देते हुए उनका लाभ उठाने की अपील की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक स्वामी प्रवक्ता नंद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उद्देश्य है कि योजनाओं का लाभ देश के कोने कोने में रहने वाले पात्रों को मिल सके। भाजपा सरकार में बिना भेदभाव के विकास कार्य कराए जा रहे हैं, इसलिए विकसित भारत संकल्प यात्रा वैन प्रत्येक ग्राम पंचायत में पहुँच रही है। भारत को विकसित बनाने की शपथ दिलाई गयी और लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। जिम्मेदारी है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास के नारे के साथ वो आज देश के लिए काम कर रहे हैं। चित्र आते हैं भैया, ये एलईडी वाले चित्र दिखाई देते हैं, आवाज बंद रखे बाकी चित्र आते हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा मोदी सरकार की गारंटी कार्यक्रम में बीजेपी विधायक बाबूराम पासवान रहे मुख्य अतिथि, जनता को किया संबोधित, देखिए ये रिपोर्ट। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत संकल्प महाअभियान के अंतर्गत विधानसभा पूरनपुर क्षेत्र के बिलंदरपुर अशोक में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बीजेपी विधायक बाबूराम पासवान ने शिरकत की। आमजन से और क्षेत्रवासियों से आत्मीय संवाद किया व प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री किसान योजना, आयुष्मान कार्ड, निपुण भारत से लाभान्वित योजनाओं से लोगों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। गर्भवती महिलाओं की गोद भराई व नवजात बच्चों को अन्न प्राशन कराया व सरकार की विभिन्न योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी। घर घर गैस सिलेंडर भेजा है, किसी को कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और वो भी गैस सिलेंडर और माताओं और बहनों के नाम देकर उन्हें रसोई का मालकिन बनाया। ये संदेश दिया, कोई भी व्यक्ति बड़ा हो या छोटा हो, लेकिन निरंतर ही अपने हाथ से जब काम करता है तो देश हमेशा वो आगे बढ़ता है और उन्नति के पथ पर चलता है। विलुप्त महावा नदी के जीर्णोद्धार के संबंध में कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी मनीष बंसल की अध्यक्षता में बैठक का किया गया आयोजन। कार्यक्रम में जिलाधिकारी मनीष बंसल ने कहा जनपद में सोत नदी की तरह महावा नदी का भी किया जाएगा जीर्णोद्धार, देखिए रिपोर्ट। संबल भेजोई में कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी मनीष बंसल की अध्यक्षता में जनपद में विद्यमान विलुप्त महावा नदी के जीर्णोद्धार के संबंध में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जिला विकास अधिकारी राम आशीष द्वारा बताया गया महावा नदी जनपद के 3 विकास खंडों राजपुरा तथा गुन्नौर एवं जुनवाई से होकर गुजरती है। जिस प्रकार से जिलाधिकारी के निर्देशन में सोत नदी का जीर्णोद्धार हुआ था तथा जिसका माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा मन की बात में उल्लेख भी किया गया, सोत नदी के कार्य से प्रेरणा लेते हुए महावा नदी का जीर्णोद्धार कार्यक्रम शुरू किया जाना है। उन्होंने बताया कि महावा नदी जनपद में लगभग 80 किलोमीटर लंबी है तथा 44 ग्राम पंचायतों से होकर गुजरती है। जिलाधिकारी ने कहा कि नदियों का जीवन में बहुत ही महत्व होता है तथा जहां से नदियां गुजरती हैं वहां जल स्तर भी अच्छा रहता है, जिससे फसलों को काफी फायदा होता है। जिलाधिकारी द्वारा संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि महावा नदी की भूमि के नक्शे के हिसाब से टीम का गठन करते हुए चिन्हांकन करना सुनिश्चित करें, संबंधित तकनीकी सहायक लेखपालों के साथ समन्वय बनाते हुए नदी का क्षेत्रफल देखते हुए
एस्टीमेट बनवाना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने संबंधित को निर्देशित करते हुए कहा कि नजरी नक्शा तहसील के नक्शे से मिलान करके ही बनाया जाए तथा संबंधित खंड विकास अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि 9 दिनों में एस्टीमेट बनाकर आईडी जनरेट हो जाए। जिलाधिकारी ने संबंधित को निर्देशित करते हुए कहा कि स्थानीय स्थिति के अनुसार नदी का ढलान आदि देख ले तथा यह भी सुनिश्चित किया जाए नदी के पास अगर कोई पुलिया है उसको भी चिन्हित किया जाए और अगर पुलिया नहीं है तो उसका एस्टीमेट बनवाते हुए बनवाया जाए तथा नदी को लगभग 2.5 मीटर गहरा खोदा जाए तथा नदी के किनारे वृक्षारोपण भी कराया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि महावा नदी पर 5 या 10 गांव के बाद चेक डैम की व्यवस्था भी कराना सुनिश्चित किया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि महावा नदी के जीर्णोद्धार के कार्य में लाखों मानव दिवस भी सृजित होंगे तथा महावा नदी के कार्य में जन सहभागिता का भी सहयोग लिया जाए। हुसैनपुर में आयोजित 7 दिवसीय संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा के लिए गाजे बाजे व अबीर गुलाल के साथ श्रद्धालुओं द्वारा सोमवार को भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। देखिए रिपोर्ट। बाजार सुकुल के हुसैनपुर में अशोक मौर्य एवं मनोज मौर्य के यहाँ आयोजित 7 दिवसीय संगीतमयी श्रीमद् भागवत कथा के लिए श्रद्धालुओं द्वारा सोमवार को गाजे बाजे व अबीर गुलाल के साथ भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई जो साईगंज बाजार सुकुल कस्बा पांडेगंज होते हुए आदि गंगा गोमती नदी स्थित रिच घाट पहुंची जहां वैदिक मंत्रोच्चार एवं पूजन अर्चन व वैदिक परंपराओं के अनुसार कलश में जल भरा गया। इस दौरान भागवत भगवान एवं भगवान श्री राम के जयकारे गूंजते रहे जिससे माहौल भक्तिमय हो गया। भव्य कलश शोभा यात्रा यात्रा के संपन्न होने के प्रसिद्ध कथा वाचक पंडित गरुड़ेश जी महाराज के श्रीमुख से 7 दिवसीय संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का शुभारम्भ किया गया और श्रीमद् भागवत कथा का सुंदर वर्णन किया गया। उक्त आशय की जानकारी देते हुए श्रीमद् भागवत कथा के मुख्य यजमान अशोक मौर्य एवं मनोज मौर्य ने बताया कि श्रीमद् भागवत कथा 22 जनवरी को संपन्न होगी जिसके बाद पूर्णाहुति के बाद भव्य भंडारा का आयोजन 23 जनवरी को किया जाएगा। अमेठी जनपद के मुसाफिरखाना कोतवाली क्षेत्र के सराय सुलेमान गांव के पास कार डीसीएम में टकराई जिसके कारण 2 युवक की हुई मौत और एक गंभीर रूप से हो गया है घायल। खबर अमेठी जनपद के मुसाफिरखाना कोतवाली क्षेत्र के सराय सुलेमान गांव के पास से है जहां आज मुसाफिरखाना कोतवाली क्षेत्र के सराय सुलेमान गांव के पास हाईवे पर रसोई रेस्टोरेंट के पास डीसीएम यूपी 92T7856 को बनवाने के लिए डीसीएम चालक आलोक पांडे मैकेनिक शान मोहम्मद पुत्र इस्लाम से हाईवे के किनारे खड़ी डीसीएम को बनवा रहे थे कि लखनऊ से सुल्तानपुर की ओर जा रही कार डीसीएम से टकरा कर डीसीएम के पास खड़े चालक व मैकेनिक को रौंदते हुए खड्डे में जा गिरी जिससे डीसीएम चालक आलोक पांडे उम्र लगभग 45 वर्ष पुत्र शिव स्वरूप पांडे निवासी महमूदपुर रेवाड़ी बुजुर्ग फतेहपुर मैकेनिक शान मोहम्मद उम्र लगभग 35 वर्ष पुत्र इस्लाम निवासी पूरे मलिक थाना मुसाफिर खाना की घटना स्थल पर दर्दनाक मौत हो गई व मैकेनिक के साथ हेल्पर कंजास निवासी देवा को घायल अवस्था में स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य के केंद्र पहुंचाया गया जहां प्राथमिक उपचार के उपरांत चिकित्सकों ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। घटना स्थल पर पहुंची मुसाफिर खाना कोतवाली पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है और मुसाफिर खाना कोतवाली पुलिस अग्रिम एवं विधिक व आवश्यक कार्रवाई में जुट गई है। उत्तर प्रदेश से जुड़ी ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए GBN24।